वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे देवभूमि के दंगल में और हुंकार भर दी सीधे तौर पर 2022 के चुनावी रण को जीतने के लिए। नारा दिया है आपकी बार 60 पार, लेकिन जीत का मंत्र दिया है और दावा किया है कि विकास के आधार पर डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है उसके आधार पर जनता एक बार फिर से उन्हें मौका देगी। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री ने तमाम दावे और वादे किए, वन रैंक वन पेंशन से लेकर वो तमाम उपलब्धियां जो डबल इंजन की सरकार ने हासिल की, जिसका जिक्र और दावा देश के प्रधानमंत्री ने मंच से किया। लेकिन मंच के दौरान एक तस्वीर दिलचस्प तस्वीर, उस तस्वीर को भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन वो तस्वीर अपने आप में कई संकेत और संदेश दे रही थी। जिस वक्त सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां बता रहे थे, उत्तराखंड की आवाम को समझा रहे थे कि आखिरकार डबल इंजन की सरकार क्यों जरूरी है उत्तराखंड में, अपने संबोधन के बाद जब वो मंच पर पहुंचे तो देश के प्रधानमंत्री ने उनकी पीठ थपथपाई। अब इसके कई संकेत और मायने गिने जा रहे हैं उस परिपेक्ष में, क्योंकि जिस वक्त ये पीठ थपथपाई गई तब उस वक्त मंच पर पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट के वो तमाम नेता और मंत्री मौजूद थे जो उनके अनुभवहीन होने का बार बार संकेत और संदेश दे रहे थे। लेकिन पीएम का पीठ थपथपाना अब संकेत दे गया कि एक बार फिर से धामी के लिए वो चुनावी रण में पूरी तरह से जी जान लगाएंगे। लेकिन विपक्ष सीधे तौर पर सवाल उठा रहा है, विपक्ष कह रहा है कि जुमलों की बरसात हुई और एक बार जनता फिर से समझ चुकी है कि बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के साथ अन्याय किया। यहां एक तरफ ऊर्जावान मुख्यमंत्री का जिक्र देश के प्रधानमंत्री कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष निशाने पर ले रहा था मोदी सरकार और धामी सरकार। जहां एक तरफ 10 साल के उत्तराखंड में घोटालों का जिक्र देश के प्रधानमंत्री कर रहे थे, लेकिन विपक्ष का कहना यह है कि आपदा में हुए घोटालों का जिक्र आज देश के प्रधानमंत्री स्कूटर के नंबर क्यों नहीं गिनवा रहे। सीधे तौर पर वार जल जीवन मिशन का जिक्र भी किया, जल का मिशन, किस तरह से हर घर नल पहुंचने का जिक्र किया और साफ तौर पर कहा कि विपक्ष ने खास धर्म को वोट बैंक समझा और उनकी योजनाओं के सहारे जीत की बुनियाद तैयार की। अपने मेहमानों की तरफ रुख करें, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा अपने संबोधन के दौरान। पहले सुनिए देश के प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कुछ जुड़ने वाले हैं, लेकिन पहले यह बयान सुनिए। इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं, आपके स्नेह आपका आशीर्वाद, ये आशीर्वाद का प्रसाद पाकर हम सभी अभिभूत है। उत्तराखंड पूरी देश की आस्था ही नहीं बल्कि कर्म और कठोरता की भूमि है। इसलिए इस क्षेत्र का विकास, यहां को भव्य स्वरूप देना डबल इंजन की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी भावना से सिर्फ बीते 5 वर्षों में उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए उत्तराखंड के लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं।
जो लोग पूछते हैं कि डबल इंजन की सरकार का फायदा क्या है, वो आज देख सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार कैसे उत्तराखंड में विकास की गंगा बहा रही है। भाइयों और बहनों, इस शताब्दी की शुरुआत में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत में कनेक्टिविटी बढ़ाने का अभियान शुरू किया था, लेकिन उनके बाद 10 साल देश में ऐसी सरकार रही जिसने देश का, उत्तराखंड का बहुमूल्य समय व्यर्थ कर दिया। आज भारत की नीति गति शक्ति की है, दोगुनी तीन गुनी तेजी से काम करने की है। सालों साल अटकी रहने वाली परियोजनाओं, बिना तैयारी के फीता काट देने वाले तौर तरीकों को पीछे छोड़कर आज भारत नवनिर्माण में जुटा है। 21वीं सदी के इस कालखंड में भारत में कनेक्टिविटी का एक ऐसा महायज्ञ चल रहा है जो भविष्य के भारत को विकसित देशों की श्रृंखला में लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। इस महायज्ञ का ही एक यज्ञ आज यहां देवभूमि में हो रहा है। भाइयों और बहनों, इस देवभूमि में श्रद्धालु भी आते हैं, उद्यमी भी आते हैं, प्रकृति प्रेमी सैलानी भी आते हैं। इस भूमि का जो सामर्थ्य है उसे बढ़ाने के लिए यहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व काम किया जा रहा है। चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत आज देवप्रयाग से श्रीकोट और ब्रह्मपुर से कोडियाला, वहां के प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया है। तो सुना आपने, देश के प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर वार किया विपक्ष पर भी और अपनी उपलब्धियां भी गिनवाई। लेकिन क्या वाकई में यह जीत का मंत्र बीजेपी के काम आएगा? सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, मेरे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं, दीप वोरा, जो कि कांग्रेस के युवा चेहरे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है दीप वोरा साहब आपका। साथ ही साथ संगीता शर्मा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी का चेहरा है, पार्टी की प्रवक्ता है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में बीजेपी के नेता भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, लेकिन सबसे पहले दीप वोरा साहब, इस कार्यक्रम की चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा। 18,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास आज देश के प्रधानमंत्री ने किया, बीजेपी को बधाई नहीं देंगे क्या? ये तिलक भाई, ये कुछ ऐसे शिलान्यास और ये लोकार्पण तो प्रधानमंत्री जब से बने हैं, घोषणाएं तो करते हुए आए हैं, कोई नई चीज तो आज इन्होंने बताई। इन्होंने ये नहीं बताया कि हमने तीन मुख्यमंत्री क्यों बदले, इन्होंने ये नहीं बताया कि कोविड काल में इतना बड़ा घोटाला क्यों हुआ, इन्होंने ये नहीं बताया कुंभ में क्यों घोटाला हुआ, इन्होंने ये नहीं बताया खनन में क्यों घोटाला हुआ, हमने त्रिवेंद्र सरकार को क्यों हटाया, इन्होंने ये नहीं बताया कि 6.7 से ऊपर बेरोजगारी बढ़ गई है। और मैं इसी तरह माइक पे बोलता रहूंगा, घोषणाएं करता रहूंगा। सबसे बड़ी विडंबना देखिए, दफा 144 लगी हुई है संविधान और प्रशासन, जो हमारा एक संविधान है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक है। दफा 144 में चार जने नहीं खड़े हो सकते और आज देश के प्रधानमंत्री देहरादून में आके एक रैली कर देते हैं। अब ये संविधान जो दफा 144 की धजियां उड़ाई गई है, इस पे एक केस किस पे करना चाहिए? संज्ञान कोर्ट को लेना चाहिए, ये सरकार पूरी सरकार में करना चाहिए या पूरे प्रशासन पे ही दफा 144 का उल्लंघन जो इन लोगों ने किया है उस पे करना चाहिए? कल वर्दी वालों ने वर्दी वालों को राजपुर रोड से घसीटते हुए हटा दिया, पीआरडी के जवानों को, कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वो प्रधानमंत्री जी से अपना मैसेज देना चाहते हैं। मैं इस पर जब बीजेपी नेता जुड़ेंगे तो तमाम सवाल है उसका जवाब लूंगा, लेकिन संगीता जी, आपको कैसा लगा पीएम नरेंद्र मोदी का भाषण जो देवभूमि के दंगल से उन्होंने दिया?
देखिए वो 5 साल पहले भी ऐसे ही भाषण देके गए थे और वो एक जुमलेबाजी थी, और आज भी उन्होंने वही किया। 4.5 साल से भाई किसकी सरकार थी जो वो कह रहे थे कि हम ने डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार तो भाई 4.5 साल से आप ही चला रहे हैं, कोई दूसरा थोड़ी चला रहा है। तो कितना आपने उत्तराखंड में विकास किया, कितना रोजगार दिया, कितना महिलाओं के लिए क्या किया, जो जल जीवन मिशन की बात कर रहे थे, कितने घरों तक कनेक्शन पहुंचे हैं। मैं अपने ही क्षेत्र की बात बताऊं तो अभी लोग पानी के लिए यहाँ तरस रहे हैं, और केवल पाइपलाइन डल गई है, टोंटी लगी हुई है लेकिन उनमें पानी नहीं आ रहा। तो ऐसा तो जल जीवन मिशन चल रहा है। तो बड़ी बड़ी बातें करना और जुमले फेंकने के अलावा काम करना, ये तो भाजपा की राजनीति है ही नहीं। और रही शिलान्यास की बात, तो भाई अभी जो आप इतना शिलान्यास कर रहे हैं, अभी लग जाएगी क्या कहते हैं इलेक्शन आ रहा है, तो फिर कैसे ये काम हो पाएंगे? आप तो शिलान्यास करके वाहवा ही लेना चाह रहे हैं कि जनता देश को बना दे जनता को, लेकिन जनता समझदार है तो इनके ये जुमलेबाजी में अब आने वाली नहीं है इस बार की। वो इनके जुमलों पे ध्यान दे रही है, इनके भाषणों पे, इन्होंने जो बड़े बड़े भाषण बोले भाई 22,000 ओपनर करने के, सैनिक सम्मान की बात करते हैं, तो इन्होंने सैनिकों को क्या सम्मान दिया? वो भी तो उन्हीं के आश्रित हैं, उन्हीं के घरों के लोग हैं, और उनको क्या मिला? तो कहीं ना कहीं इस सरकार की जो जुमलेबाजी है वो जनता समझ चुकी है, और अब वो इन पर भरोसा करने वाली नहीं है। तो आपको लगता है कि लड़ाई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होने वाली है? जी बिल्कुल। आपको लगता है मैडम लड़ाई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होने वाली है? देखिए कांग्रेस वर्सेस बीजेपी लड़ाई तो तीनों में है ही, जब तीनों मैदान में है तो लड़ाई तो तीनों में होनी है। लेकिन अब जिसने काम किया है, जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, क्योंकि अब वो ठगने वाली और ऐसी राजनीति नहीं चाहती है। जनता को अब विकास और काम चाहिए। तो जो दो सरकारें तो देखिए यहाँ रही हैं आज तक, कांग्रेस और बीजेपी ही रही है, तो अब वो एक तीसरे विकल्प की ओर जरूर देख रही होगी कि तीसरा भाई कैसा काम करेगा। और हमारा तो ये मानना है कि अगर जो सरकार काम ना करे तो उसे सत्ता में मत रहने दीजिए, अगर काम किया है तो ही दोबारा वोट दीजिए, वरना वोट मत दीजिए, क्योंकि सरकार आई नहीं, वो तो डबल इंजन की बात कर रहे हैं। तो आप भी जनता का ध्यान ही नहीं देना तो सरकार को रुकना। ओके दीप वोरा साहब, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? संगीता जी कह रही है कि बारी बारी से सबको ओके दीप वोरा साहब वो कह रहे हैं बारी बारी के सबको मौका मिला, एक बार हमें भी मिलना चाहिए। आप लोगों ने जो है उत्तराखंड के विकास किया होता तो जनता आपको एक बार फिर से मौका देती। अब जनता ने देख लिया, समझ लिया, अब जनता हमें मौका देगी क्योंकि हम तीसरे विकल्प हैं। देखिए बड़ी जो पार्टी होती हैं, आरोप लगाने तो सही है, हम विपक्ष है हम भी लगाएंगे, अब ये इनकी नई पार्टी आई है यहाँ पे ये भी लगाएंगे, लेकिन उस उत्तराखंड के लिए क्या सब फ्री में डिमांड करके वोट लेना ठीक है? जो हम लोग आंदोलनों से निकल के आए हैं, हमने यहाँ अपने भाई खोए हैं, बहनें खोई हैं, हमने आज भी मेरे परिवार से बेड में पड़े हुए हैं, आंदोलन सक्रिय आंदोलन में रहे, गिर गए, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है। तो क्या आप में ऐसा कार्यकर्ता है जिन्होंने उत्तराखंडियत को जिया है? अगर आप दूसरी पार्टी से और दूसरी पार्टी में चले जाते हैं और आप कहते हैं हम आ रहे हैं तो ठीक है, वो भी ठीक है। मैंने दिल्ली में ये जरूर देखा था, हर एक आम आदमी जुड़ा था, रेड़ी ठेली फल वाले को भी टिकट दिया गया था, लेकिन यहाँ तो नेता ज्यादा हो गए हैं लेकिन कार्यकर्ता कम है। बनिस्पत आज हम मोदी जी की बात करें, मोदी जी अगर कोई राजनीति को समझता होगा, वैसे तो सियासत को आज तो हर जगह सियासत है, अगर मोदी जी से आज के भाषण से पूछा जाए क्या सड़कों से आज क्या हमारी ये 2022 को कहते थे हम विश्व गुरु बन जाएंगे, लेकिन ये तो सड़कों के किनारे हैं। इन्होंने बेरोजगारी की कोई बात नहीं करी, इन्होंने ये नहीं बताया कि मेरा कोई मुख्यमंत्री एक भी इंडस्ट्री लाया हो, इन्होंने कोई रोड मैप नहीं बताया कि पलायन कैसे रुके। तो मैं ये समझ रहा हूँ एक प्रधानमंत्री आता है, सीमा जी मेरे साथ जुड़ गए, मैं पूछ लेता हूँ, मैं वो रोड मैप पूछ लेता हूँ। दीप भाई मैं पूछ लेता हूँ। सीमा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीमा जी मेरे साथ संगीता शर्मा जी जुड़ी हुई है और दीप वोरा जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से। उन्होंने कहा उपलब्धि के नाम पर आप लोगों ने बहुत कुछ गिनवाया लेकिन हकीकत कुछ और है, और जनता इस बार समझ चुकी है कि एक बार फिर से जुमलों की बारिश हुई है। सीमा जी वहम का कोई इलाज नहीं। सॉरी पहले तो मैं माफी चाहूंगी क्योंकि आज नेटवर्क में बड़ी प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे, तो ज्वाइन नहीं कर पाई ढंग से और ना मैं सुन पाई हूँ इन लोगों को ढंग से।
लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर अच्छे काम हो रहे होंगे तो इन लोगों को हमेशा पेट में दर्द क्यों रहता है। इतनी बड़ी बड़ी पहले तो सारी योजनाएं उन्होंने करी थी, जो धामी जी लगातार करते चले आ रहे हैं, करोड़ों की उन्होंने कर दिए थे, योजनाएं गिना दी थी और इम्प्लीमेंट कर दी थी, धरातल पे उतार भी दी थी। अब जो मोदी जी आए, उन्होंने बड़ी बड़ी योजना 18,000 करोड़ की योजनाएं जो प्रगति दिखाती, सीधे सीधे प्रगति दिखाती है कि किस तरह से कॉरिडोर बनेगा, खरगोर में मेडिकल कॉलेज बनेगा, ऋषिकेश में पुल बनेगा और बधेरी योजनाएं उन्होंने दिखाई जो करोड़ों की है और जो उन्होंने कहा है कि 2024 तक ये सब की सब धरातल पे आ चुकी होंगी, मतलब इसमें इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों को इतना बुरा क्यों लग रहा है कि आपका उत्तराखंड तरक्की कर जाएगा, दिल्ली जैसा हो जाएगा, जहाँ दिल्ली पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे? तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए, पर आप क्यों बुरा लग रहा है आपको? सीमा जी कह रही है, मैंने सीमा जी को तो सुना नहीं, मुझे क्या पूरी उत्तराखंड की जनता को बुरा लगा होगा? एक प्रधानमंत्री देश का, वो सिर्फ सड़कों की बात करके गया, जो कोविड का घोटाला हुआ उसकी बात नहीं करी, बेरोजगारी दर कैसे कम होगी उसकी कोई बात नहीं हुई, तेलंगाना बोर्ड क्यों भंग किया गया और क्यों बनाया गया इन्होंने ये नहीं बताया, किसानों का बिल पहले क्यों लाया गया उधम सिंह नगर में, जितने किसान भाई मरे हैं उनके परिवार के लिए क्या करेंगे, ये 2,500 रुपए महीने का लॉलीपॉप ही पकड़ाते रहेंगे या उन परिवारों के लिए कुछ करेंगे, या सिर्फ चुनावी मोड में रहना है, झंडे बैनर लगाना है, बेरोजगार चाहे सड़कों में फिरते रहे, पकोड़े चलते रहे, डिग्री वाले डिग्री जलाते रहे, लेकिन इन्होंने कहना जी प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री, अरे भैया प्रधानमंत्री जी है लेकिन भाजपा के नेता हैं वो, भाजपा का नेता, अगर भाजपा का नेता ठीक होता तो यहाँ 3-3 मुख्यमंत्री नहीं बदलने पड़ते, वहाँ पे कांग्रेसी गोत्र के 2 आदमियों के नाम नहीं लेने पड़ते, और अब तुम्हारे बीजेपी के 1 मंत्री का नाम नहीं लिया, लेकिन नाम लिया महाराज जी का और हर सिंह जी का, तो समझ जाओ तुम्हारी पार्टी किस गत की तरफ जा रही है। संगीता जी के पास जाओ, संगीता जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन दीप भाई मुझे एक बात बताइए कि ये तो तय है कि अब बीजेपी चुनावी मूड में आ चुकी है, बीजेपी ने शंखनाद कर दिया आज, लेकिन एक बात राहुल गांधी जी का है, सब कुछ हरीश रावत के भरोसे छोड़ दिया क्या? राहुल गांधी जी 16 तारीख को आ रहे हैं दिसंबर में यही परेड ग्राउंड में, आप आइए, आप वेलकम है, उनको सुनिए, इनसे ज्यादा भीड़ लेंगे बिल्कुल आएगी, ये तो पैसे खरीदने भीड़ थी सहारनपुर से, मैं कह रहा हूँ इससे ज्यादा भीड़ करेंगे विकास नगर की साइड से 300-300 रुपए 200-200 में, या तो अपने आप जनता निकल के आएगी आपको पता लग जाएगा, बिल्कुल 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 आपके तो आएंगी, वो ये जो टिकट मांग रहे हैं बेचारे पैसे दे रहे के लोग लाए, ये जो टिकट मांग रहे हैं ना एक एक विधानसभा में इनके 20-30 लोग, वो बेचारे पैसे दे के लाए, आपके पास प्रूफ है क्या? आप प्रूफ साबित कर दीजिए, अच्छा, आपको सर्टिफिकेट क्यों देना है? मैंने आपको क्यों सर्टिफिकेट देना है? वो तो जनता देने वाली है आपको, तो जनता खुद ही आशीर्वाद मांग रहे हो, ऐसी कोई पार्टी देखी है जो आशीर्वाद खुद मांग रही है? आपको आपको पार्टी को शर्म आती है? लोग खुद माला पहनाते हैं, काम करते हैं। संगीता जी आपको क्या काम कर दिया? ओके ओके दीप भाई एक सेकंड प्लीज, सीमा जी एक सेकंड, लड़ना नहीं है, सत्ता में दिल बड़ा रखिए, तभी तो त्रिवेंद्र सरकार को हटाया, तभी तो त्रिवेंद्र सरकार को हटाया झूठ फसोट करके, आप लोग आर्थिक सहायता खा रहे हो कार्यकर्ता और जनता त्रस्त है, ये याद रखना सीमा जी, एक दिन वो घोटाला भी खोल के दिखाएंगे, पहले तो आप से भी बहुत त्रस्त ओके थे, एक सेकंड अब संगीता जी को बोलने दीजिए ना, हमने पार्टी क्या है एक सेकंड सबको पता है, एक सेकंड हिंदू मुस्लिम छोड़ दो तो पता लग जाएगा क्या जमीन है, सीमा जी प्लीज एक सेकंड, संगीता जी आप आइए, जो दवाई 100-100 अब सुन लीजिए ना, एक सेकंड दीप भाई प्लीज, सीमा जी गरीब लोगों के दवाई दी, मोदी जी ने लिया 500-500 रुपए खा लिए मोदी जी ने और उसके बाद सिलेंडर दे दिया वो भी बंद कर दिया, वो जनधन खाते का है, वो जनधन खाते का है, जनधन खाते का है, चलिए आप बताइए ये किसानों का बिल क्यों लाए थे और क्यों हटाया, चले बताइए किसानों का बिल क्यों लाए थे और क्यों हटाया, देशाना बोर्ड क्यों बनाया, क्यों हटाया भू कानून क्यों बनाया, एक सेकंड सीमा जी प्लीज, आप प्रवक्ता हैं, आप दोनों का ऑडियो नीचे करना चाहूंगा, मैं आप दोनों का ऑडियो नीचे कर दूं, प्लीज प्लीज दीप भाई प्लीज,
सवाल तो पूछ ले दीजिए। सीमा जी प्लीज। संगीता जी, आपको कौन सी बात देश के प्रधानमंत्री जी के आज अभी भाषण में बुरी लगी? देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने कोई भी ऐसी बात नहीं कही जो बहुत जनता के हित में कही हो। उन्होंने सिर्फ एक जुमलेबाजी ही की। कोई भी बात में बहुत सत्यता नहीं थी, केवल योजनाओं की अपनी पास कर दी। बाकी धरातल पर तो कुछ हुआ ही नहीं है जिसकी उन्होंने बात की हो। सबसे पहले तो उन्हें बेरोजगारों की बात करनी चाहिए थी, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अभी उत्तराखंड में है और इतना छोटा सा राज्य है। उन्होंने जो जड़ी बूटी की बात की वो आज तक सोए हुए थे। उन्हें नहीं पता था पिछले 21 सालों में कि हमारे यहाँ जड़ी बूटियां हैं। 4.5 साल में उन्होंने क्यों नहीं वो औषधियों पे काम किया? जब चुनाव आने वाला है तो वो उन्हें यहाँ की जड़ी बूटियों और औषधियों की याद आती है। 4.5 साल तक वो झूले बैठे थे कि यहाँ पे ऐसा कुछ है भी, जो आज उन्हें याद आया है। तो बहुत सारी उनकी बातों में कोई ऐसा दम नहीं था जो उन्होंने यहाँ की जनता के लिए कुछ किया हो। वो काम गिनाते ना कि 4.5 साल में उन्होंने यहाँ की जनता के लिए क्या किया है। वो मुख्यमंत्रियों का विकास जो उन्होंने किया उसको ना गिनाते, करके जनता के विकास की विकास को गिनाते। मुख्यमंत्री जी लेकिन वो ये कह रहे सिर्फ जुमले थे। ओके, आप सुन लीजिए संगीता जी, संगीता जी कोई बात नहीं कही। ओके संगीता जी, मैं पूछ लेता हूँ। सीमा जी वो कह रहे हैं सिर्फ बेरोजगारी को लेकर भी बोल देते। आपने अपने मुख्यमंत्री और मंत्रियों की बेरोजगारी दूर की है, जनता की नहीं की, उस पर भी कुछ बोल देते देश के प्रधानमंत्री जी। बेरोजगारी के उन्होंने बोला तो कि हमने होम स्टे कराए, हम लोगों ने स्वरोजगार योजना चलाई, हमने ऋण दिया। कोरोना काल से ज्यादा 2 साल में लगा होम स्टे किसने दिया? 2 साल में कोरोना काल में क्या पर्यटन को कुछ मिलता है? नौकरियां नहीं दी जा सकती, रोजगार करिए। आप नौकरी देने वाले बनिए, आप आओ तो सही ट्रेनिंग लेकर और रोजगार लगाओ अपना खुद का, और 100 लोगों को रोजगार दो, है ना, हर समय। और नौकरियां रोजगार हम क्यों करें काम सर जी? शिक्षिका हूँ तो आप क्यों कह रही है कि रोजगार पैसा कौन देगा रोजगार के लिए? सरकार ने क्या किया? 10,000 के लोन के लिए चक्कर काटनी पड़ता है हमारी बहनों को, बड़ा बड़ी बड़ी बातें कर रही है। मुद्रा लोन कहाँ है, किसे मिला? मुद्रा लोन कहाँ है, किसे मिला? स्टैंड अप इंडिया कहाँ है, अभी तक स्टैंड नहीं हुआ। 2022 में ये जुमले बात प्रधानमंत्री विश्व गुरु बना दूंगा, विश्व गुरु बना दूंगा। एजुकेशन लोन मिल रहा है एक सेकंड, एक एक करके दी भाई प्लीज, एक एक करके। संगीता जी सड़कों के ठेकेदार उत्तराखंडी थे, उत्तराखंडी के वहाँ के नौजवानों को रोजगार मिला आपकी सड़कों से। सारे मेरठ, आगरा, दिल्ली और गुजरात के लोग थे, गुजरात के लोग थे जो कनकपुर से जौलजीबी तक की जो है। मैं तो हरिद्वार की रोड देखकर आया हूँ। एक सेकंड प्लीज, एक एक करके। सीमा जी ये कह रहे हैं कि सिर्फ धरातल पर हकीकत कुछ और है और आप कुछ और जुमले छोड़ के चले गए। बेरोजगारी के मसले पर आपने कुछ नहीं बोला, पर्यटन के मसले पर आपने कुछ नहीं बोला। उन्होंने आप सिर्फ कह रहे थे सब रोजगार से रोजगार मिल जाएगा। एक बात बताइए, जो ये सब कॉरिडोर बनेंगे और जो ये शिलान्यास होगा जितनी चीजों का, उससे क्या पर्यटक का बढ़ावा तो मिलेगा ही मिलेगा। ये तो उन्होंने बोला ना कि पलायन को रोकना तो है ही, और कैसे रुकेगा? आप जब होम स्टे में आप करते हो तो पलायन रुकता ही आप, है ना। एक रूम भी अगर आप होम स्टे में लगा दीजिए अपने घर का, उन्होंने ये बात बोली है, तो आमदनी इंसान की बढ़ जाती है जो पहाड़ों में रहते हैं, जो नहीं बिल्कुल ही आना चाहते। बच्चों को तो हम कहते हैं एक रूम की वहां पूरी पूरी बिल्डिंग लगाइए। कितने बड़े बड़े घर हैं पहाड़ों में लोगों के, जिनके पास कितने रूम्स होते हैं, उनको होम स्टे में कन्वर्ट कर दीजिए। पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा, आपके पास भी पैसा आएगा। और बथेरी योजनाएं स्वरोजगार आप करिए ना, कितने लोगों ने तो काम शुरू कर दिया है। दीपोरा जी आप एक एक करके प्लीज अपनी बात रखिएगा। दीपोरा जी पहले आप रखिए, फिर संगीता जी आपके पास आता हूं। वहां से लोग चले गए, खंडर हो गए वहां पे लोगों के घर, पैसा नहीं है उसको, बेचारे कहाँ छोटी छोटी नौकरी कर रहे। कोविड काल में बेचारे आधे तो मरे हुए थे और पूरे मर गए, जिंदा लाशें बन के आए। इतने लोगों के होटल खाली पड़े हैं, उनका क्या होगा? जो अपना घर भी वो कब, जिस छत में रह रहे
वो कमरा भी वो उनको दे दे। अरे तुम दो ना बना के, कहो ये जनता के लिए हम नौकरी लेके आए हैं, बनाओ ना वहाँ पे, किसने मना किया है? लेकिन तुम्हारा कोई रखरखाव हो, कोई विजन हो तब ना। राजस्थान में बड़ा दे दिया, शर्म करो, 35,000 रुपए दूंगा बेरोजगार को। अरे हमने तो बहुत कुछ कर दिया, देश का प्रधानमंत्री है, राजस्थान की बात की हो रही, राजस्थान में जाके बोलो या वहाँ पे माइक लेके आप उत्तराखंड की बात करो, उत्तराखंड की बात करो। आप अपनी बात करिए, अपने गिरेबान में जाके देखिए आप। अरे हमारे गिरेबान को छोड़ो मैडम, सरकार आपकी है और आपसे विपक्ष की प्रधानमंत्री जी जुमला कोविड में जो घटाला आपके मुख्यमंत्री ने किया उसका क्या होगा? वो जेल कब जाएगा ये बताओ? अगर आपको भी बताना चाहिए ना कि आपकी सरकार ने ये एक माइलस्टोन सेट किया, हरीश रावत ने ये माइलस्टोन सेट किया, आपको भी बताना चाहिए ना कि उत्तराखंड के संदर्भ में आपने क्या किया, आपकी सरकार ने क्या किया? हमारी सरकार ने वो किया जो केदारनाथ से यात्रा एक साल में शुरू करी, इनका एक भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, इनके प्रधानमंत्री एक औद्योगिक एक कारखाना नहीं यहाँ पे लगा पाए, जो लगे हैं नारायण दत्त तिवारी की सरकार में लगे हैं। मुख्यमंत्री सीना ठोक के बोले भाजपा का कोई भी पूर्व कि उसने कोई काम किया है। उन्होंने जल विद्युत परियोजना से घोटाले करने शुरू किए, कुंभ के घोटाले से लेके कनन के घोटाले से लेके कफन तक के घोटाले कर दिए, ये हमें बता रहे हैं, हमारे गिरेबान में झांकने को कह रहे हैं। राजसी में घोटाले भूल गए क्या? इतनी आप जिसे केदारनाथ की तब्दी बता रहे हैं, संगीता जी भी कह रही है कि हमारे हमारे कर्नल साहब ने करके दिखाया था, ये विजन था पूरी सरकार की। सीता जी देखिए झगड़ा नहीं करना प्लीज, एक सेकंड संगीता जी। उन्होंने वहाँ से मदद जी जी देखिए सीमा जी अभी करेंगी होम स्टे, संगीता जी पलायन केवल होम स्टे से रुक जाएगा? इनसे ये पूछिए पलायन को रोकने के लिए स्वास्थ्य भी चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कहाँ है? जुमलेबाज लोग हैं, जुमला ही बोलेंगे। सालों में अगर आप कोई भी जिला अस्पताल उठा के देखेंगे क्या वहाँ की कंडीशन है, समझ में आ जाएगा रेफर सेंटर से ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ शिक्षा अच्छी करनी पड़ेगी, स्वास्थ्य अच्छा करना पड़ेगा, रोजगार पे ध्यान देना पड़ेगा, सब पलायन रुकेगा, होम स्टे से पलायन नहीं रुक जाएगा। सीमा जी इस बात पे गौर कीजिए, होम स्टे से आप पलायन को रोक लेंगे क्या? यहाँ जब लोगों को स्वास्थ्य के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता है, दूसरे राज्य में जाना पड़ता है, यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे अच्छे स्कूल नहीं है, तो इसलिए लोग पलायन, पूरे पूरे गांव खाली हो गए हैं कि भाई हम तो कहीं और चले जाते हैं, वहाँ हमारी सारी सुविधाएं मिल रही है, वहाँ हमारे पास नौकरी भी होगी, हमारे पास हॉस्पिटल भी अच्छे होंगे। तो सारे सेक्टर पे ध्यान देना पड़ेगा, सभी क्षेत्र पे, ये नहीं कि आप होम स्टे से पलायन रोक रहेंगी। तो आपको तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि पलायन रोकना कैसे है? आप अगर अस्पताल की बात करते हैं, स्वास्थ्य के लिए कई मॉडल लाते हैं और कहते हैं कि अस्पतालों में हम ये सुविधाएं मुहैया कराएंगे, तो आप पलायन रोकते हैं। आप बात करते हैं कि हम स्कूलों में स्कूल अच्छे बनाएंगे, वहाँ पे शिक्षक जो मतलब बेरोजगार युवा घूम रहा है और वैकेंसी खाली है उनको फुलफिल करेंगे, बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए ऐसे काम करेंगे कि स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़े, तो पलायन रुकेगा। आपके होम स्टे से पलायन नहीं रुकने वाला, जो प्रधानमंत्री जी कहके चले गए। ओके अब मैं आ रहा हूँ, अब मुद्दे पे आ रहा हूँ। आप लोगों ने अपने आरोप प्रत्यारोप लगा लिए, लेकिन सीमा जी मेरी बात का जवाब पहले आप। जी जी, क्या बेरोजगारी उत्तराखंड में एक अहम मुद्दा है या फिर नहीं? वो 4,75,000 जो पंजीकृत बेरोजगार हैं, जिनकी संख्या उससे भी कई ज्यादा है, वो आप भी जानते हैं, क्या ये मुद्दा है उत्तराखंड में या फिर नहीं? बिल्कुल है, मैं इससे तो डिनाई कर ही नहीं हूँ कि बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में आप भी अच्छे से जानते हो कि उत्तराखंड में इतनी जॉब नहीं निकल सकती, इतने लोगों को फिर भी निकाली गई है, अभी 20,000 लोगों को जॉब देने का है। साढ़े चार साल में आपने कितनी नौकरियां दी? साढ़े चार साल में आपने कितनी नौकरियां दी युवाओं को? आपके पास रिकॉर्ड आया था 70,000 का? तिलक जी मैं इसमें जवाब, मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। आपके पास कोई रिकॉर्ड? दीप भाई प्लीज एक सेकंड, दीप भाई मैं चाहता हूँ मुद्दे पे बात करेंगे। 20,000 का टारगेट रखा हुआ आपने कि हम नौकरियां अभी देंगे, जो भी नौकरियां खाली पड़े हैं रिक्त पद उनको 20,000 का टारगेट रखा कि आप नौकरी देंगे। 4,75,000 बेरोजगार पंजीकृत है आपके बेरोजगारी सेंटर पर। अच्छा एक बात बताइए तिलक जी, आप अच्छे से जानते हैं क्या 4,00,000 लोगों को सरकारी नौकरियां एक छोटा सा स्टेट दे सकता है? क्या धरातल पे ये उतर सकती है? जब आपने विजन, मैं बता रहा हूँ,
जब जब बच्चीदा ने विजन डॉक्यूमेंट बनाया था, आपका विजन डॉक्यूमेंट किसने बनाया था? नहीं, तभी बच्चीदा ने कहा था, बच्ची सिंह रावत ने जी, बच्ची सिंह रावत ने, आपने वो विजन डॉक्यूमेंट पढ़ा मैडम? जी, लेकिन सर उसके बाद आप देखिए तो सही, इसीलिए कह रहा हूँ जो बेरोजगारी की समस्या, जिस दिन आप उत्तराखंड में, नहीं नहीं मैं तो चुनौती देकर कह रहा हूँ कि आप लोग अपने आंकड़े जारी करिए ना कि 4.5 साल में आपने कितने लोगों को रोजगार दिया, नाम के साथ विभाग के साथ क्यों नहीं जारी करते हैं? मैं तो रोज बोलता हूँ, नंबर दिए हम मिलाएंगे, यहाँ से रेंडमली चेक करेंगे किसको रोजगार दिया आपने। रोजगार तो देखिए सर, रोजगार कंटिन्यू दिए जा रहे हैं और अभी भी समूह ग के देखिए एग्जाम है, कल है, उसके बाद फिर एग्जाम है, 12 तारीख को एग्जाम है, और तुरंत इसी यानी कि अभी की अभी उनका सिलेक्शन हो जाएगा और अभी की अभी ज्वाइनिंग हो जाएगा। मैडम तो कितने लोगों को 4 साल में कितने एग्जाम हुए और कितनी भर्तियां हुई, मैं वो पूछ रहा हूँ। हाँ तो वो आपको मुहैया करा दी जाएगी, ये आप मानती है ना, कितने लोगों को बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है जो, नहीं बिल्कुल मुद्दा वो तो ये खाली उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में है बेरोजगारी तो इस समय। विदेशों में भी जो सेटल थे वो भी हमारे भारत में आ गए कि यहाँ पे आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो मिल गई किन्हों को नहीं मिली। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपने रोजगार दूर करने के लिए, आपने बेरोजगारी दूर करने के लिए, लोगों को रोजगार, युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए जो उपलब्धि हासिल की, जो आंकड़े आप कह रहे हैं कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया, क्या वो नंबर विभाग अनुसार और उनके नाम वो सार्वजनिक हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, आप मांगिए विभाग से, सूचना मंत्रालय से आपको मिल जाएगा। मैं मांग रहा हूं, न्यूज वर्ल्ड इंडिया लगातार पिछले एक महीने से हम ये आंकड़े मांग रहे हैं, नंबर नाम के साथ, हम बैठ के लाइव में फोन मिलाएंगे रैंडमली जी, जिसको आपने नौकरी दी है जी, मिला लीजिएगा, चुनौती स्वीकार, मुहैया करा दी जाएंगे आपको, आप उनके शिक्षा मंत्रालय में एक डाल दीजिए कि एप्लीकेशन। नहीं सीमा जी, आप कह दीजिए, मेरी तो इतनी अप्रोच नहीं है जी, मैं तो आप लोगों से दरख्वास्त कर सकता हूँ कि वो नंबर, नाम, विभाग जिसको आपने नौकरी दी है वो उपलब्ध करवा दीजिए बस। जी जी जी, आपकी बात फॉरवर्ड कर दी जाएगी, बात कि जितनों को दी है उतने के नाम सहित, एड्रेस सहित आपको मुहैया, मैं तो सार्वजनिक कर दूंगा जी, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो रैंडमली चेक करेंगे लाइव में, फोन करके पूछेंगे सर, बिल्कुल सर पूछ लीजिएगा। देखिए ये बात मैं तो, कि आपको नौकरी मिली, कब मिली, कैसे मिली है और किस विभाग में मिली, बस यही तीन सवाल होंगे। विभाग ठीक है बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन काला चश्मा हटा दे और ये लोग सोचे अपने राज्य के बारे में सोचे। दीप भाई ये कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार में विकास की गंगा बही। अगर मैं थोड़ा पीछे ले जाऊं, आप लोगों ने सिर्फ घोटाले किए और खास तौर पर आज जिक्र किया देश के प्रधानमंत्री ने कि एक खास धर्म को आप लोगों ने ध्यान रखा। नहीं नहीं, ये आरएसएस आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं, अपने आप को बहुत ही इंटेलेक्चुअल पार्टी समझती थी जो भी इनका संगठन है, लेकिन सरदार पटेल जो थे महामानव और भारतवर्षी, उन्हें पता था इनसे बड़ा मनबुद्धि तो है ही नहीं कोई। राजीव गांधी जी उसके आगे कंप्यूटर लेके आए, इन्होंने हाओ हल्ला शुरू कर दिया, हाओ हल्ला कि ये हो जाएगा, लोगों की नौकरियां छिन जाएगी। कंप्यूटर आने से देश विदेश में करोड़ों लोगों की नौकरियां और जॉब आ गई। अभी भाजपा की प्रवक्ता कह रही है कहां से होगा, अरे तो प्रधानमंत्री जी और सरकारें तो करेंगी ये रात, तो दीप वोरा सरकार में होगा तो दीप वोरा करेगा, क्या ये सरकार में जाएंगी तो ये करेंगी, लेकिन सरकार इनसे बेरोजगारी का पूछा ना, 75,000 नौकरियां बेरोजगारी का पूछा ना, नहीं है ये 1,00,000 भी नौकरी ले आएंगे एक उत्तर दे दीजिए, वो भी बहुत बड़ी चीज होगी, लेकिन विजन ही नहीं है। विजन आ गया कि अब करें क्या, हमने तो कुछ किया नहीं, चलो ये सड़कों के बारे में कुछ बोल लेना भाई। एक उपलब्धि आपकी भी बता देता हूँ, अभी एक उपलब्धि आपकी भी बता देता हूँ दीप भाई, आप लोगों ने इतना काम किया, विकास की गंगा बहा दी। मैं तिवारी जी का जिक्र नहीं कर रहा, तिवारी जी ने किया, वो सब कहते हैं कि तिवारी जी ने विकास किया, इसलिए उनको विकास पुरुष कहा गया।
वो व्यक्तित्व पार्टी से हटकर था, इसको तो सब जानते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब आप लोग 2012 से 2017 तक सत्ता में आए, आपने कितने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया? ईमानदारी से इस सवाल का जवाब दे दीजिए। आज जिला अस्पताल रेफर सेंटर क्यों बने हुए हैं? क्या यह जवाबदेही जिम्मेदारी आप लोगों की नहीं है? आप लोगों ने देहरादून को सिर्फ एजुकेशन हब बना दिया, देहरादून, हरिद्वार और रुद्रपुर को, लेकिन पहाड़ों का क्या? वहां पर शिक्षा की हालत क्या है? कभी आप लोगों ने इस बारे में सोचा? क्या उपलब्धि हासिल की आप लोगों ने? देखिए तिलक भाई, आप तो इतने पुराने रिपोर्टिंग करने वाले बड़े पत्रकारों की, एम्स कौन लाया? प्रेम नगर में हॉस्पिटल किसने बनाया? कॉर्नेशन का जीर्णोद्धार किसने किया? हमने दून अस्पताल इतना बड़ा बनाया, आप लोगों ने कॉर्नेशन को जिला अस्पताल बना दिया। हमने तो एम्स लाए ना, हम एम्स यहाँ से 40 किलोमीटर है जहाँ आप मैं बैठा हूँ, और एम्स के आने से कोविड काल में लोगों को रात पहाड़ की बात कर रहा हूँ, पहाड़ की। तो आपने मेरे को हेल्थ सेंटर अस्पताल के किस्से तो मैं कहीं सुना दूंगा आपको, मैं पहाड़ की बात कर रहा हूँ। आपने पहाड़ को जिला अस्पताल को रेफर सेंटर बना दिया। आप सुनिए, श्रीनगर में कोई डॉक्टर चलने को तैयार नहीं हुआ, इसमें सब सरकार जिम्मेदार है। सर सरकारी श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज खुला, तब तो डॉक्टर हरि सिंह रावत जी कांग्रेस में थे, तब तो सोनिया गांधी और इन सबसे करा के लाए थे। वो वहाँ पे फायदा श्रीनगर के आसपास के लोगों को हुआ ना कोविड में, वहाँ पे अस्पताल बनाया, न्यूली जो डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्होंने भी उनकी प्रैक्टिस में जो कोविड के लोग थे उनको उनकी शरण मिली। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप हमसे पूछ रहे हो, आप इनसे तो पूछिए ना, इनसे पूछिए। रायबरेली में एम्स बन रहा था तो वो गोरखपुर का पहले कैसे बन गया? ये तो क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन रायबरेली का सवाल बाद में पूछ लूंगा, पहले मैं बागेश्वर का सवाल पूछूंगा, हरमाड़ा का सवाल पूछूंगा, मैं चमोली का सवाल पूछूंगा। जब प्रसाव की पीड़ा झेलती महिलाएं जो है वो रेफर सेंटर से रेफर कर दी जाती है जिला अस्पतालों से। संगीता जी, मैं गलत बोल रहा हूँ? आज 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 कुमाऊं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं खुद एक पहाड़ी क्षेत्र से ही बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ की हालत मैं खुद देखती हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। जहाँ मैं हूँ वहाँ के जिला अस्पतालों में भी डॉक्टर नहीं है, यहाँ के लोगों को बात करके बरेली जाना पड़ता है दूसरे राज्य में यूपी में, तो भाई उस हालत को हम करीब से देख रहे हैं। मैं पिथौरागढ़ की बात करूँ तो वो भी कई बार तो रास्ते में लोगों की जान चली जाती है, बड़ी तकलीफ होती है मन को कि 21 सालों के लिए जो आंदोलनकारियों ने जो हमारे सपना देखा शहीद हुए इस दिन के लिए देखा था कि आज भी माताएं बहनें सड़कों पर प्रसन्न करेंगी और रास्ते में जान देंगी, तो सोच करके बहुत ही दुख और तकलीफ होती है कि आज ये सरकार सोई हुई है या इन्होंने क्या सोचा है उत्तराखंड के लिए, ये क्यों नहीं सोच पा रहे कि भाई देहरादून से हटिए, सिर्फ देहरादून 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 की बात मत कीजिए, जो हमारे नीचे के इलाके हैं जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे भी कुछ कीजिए, सिर्फ देहरादून से उत्तराखंड नहीं है, पहाड़ों में भी हमें काम करना पड़ेगा। आज भी कई गाँव सड़कों से टूटे हैं, पानी की इतनी समस्या है, मैं अपने जिले की बात करूँ तो पानी की वहाँ इतनी समस्या है कि लोगों को 4-4 किलोमीटर दूर से सर पे पानी रख के लाना पड़ता है, पानी का हाहाकार आज भी बचा हुआ है वर्तमान परिस्थितियों में भी। तो सोचने का विषय ये है कि भैया उस चश्मे को हटाइए जो सिर्फ देहरादून देख रहा है, एक ऐसा चश्मा लगाइए जो दूर भी देखे, अपने आँख नाक कान सब बंद कर लिए, सब बंद कर लिए। आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ देहरादून, सिर्फ हरिद्वार दिखाई देता है, सिर्फ उधम सिंह नगर दिखाई देता है, पहाड़ दिखाई नहीं देता? हनी पाठक मेरे साथ जुड़ चुकी है, दिखाई नहीं देता, पहाड़ों पे उन्होंने ना के बराबर कुछ तो काम किया हो। सबसे पहले तो ये वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक कर दे तो जनता त्रस्त ना हो। ओके ओके हनी जी, मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? जी हनी जी, सुना आपने? नमस्कार, कैसे मैडम आप? बढ़िया बढ़िया तिलक जी, आपसे भी लॉन्ग टाइम। मैडम दीप वोरा साहब मेरे साथ कांग्रेस से हैं और संगीता शर्मा जी मेरे साथ आम आदमी पार्टी से हैं। इन्होंने कहा कि आज मौसम तो साफ हुआ लेकिन जुमलों की बारिश बहुत हुई आज। देखिए ऐसा है, क्या जुमलों की बारिश हुई आप बताइए तिलक जी, क्या जुमलों की बारिश हुई? पहली चीज तो ये कि हमारे देवभूमि में, नहीं आप मुझसे नाराज मत होइए, दीप भाई बोल रहे थे कि आज मौसम साफ हो गया लेकिन जुमलों की बारिश हुई। अतिथि देवो भव, अगर हमारे यहाँ देवभूमि में अतिथि आ रहे हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए। और कौन से ऐसी बातें हैं जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी यहाँ कह कर गए हैं
और वो पूरा नहीं हुआ है। उत्तराखंड देश को नई दिशा दी है हमारे केंद्र के तरफ से, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से जो भी दिया गया है, देवभूमि को आशीर्वाद दिया गया है जब भी दिया गया है, और ऐसा कोई लक्ष्य नहीं दिया गया है जो देवभूमि को नहीं दिया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। 3 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए, क्या ये नहीं दिए गए? 50 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट जो ये प्रदान किए गए थे थर्ड वेव आने से पहले, जब थर्ड वेव नहीं आई थी तो क्या ऑक्सीजन प्लांट वो दिए नहीं गए? ये तो सेकंड वेव के समय में आप बताइए क्या ये दिए नहीं गए? और आज 3 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए, क्या ये नहीं हुए? 7.5 लाख घरों में नल से जल पहुंच रहे हैं। और ये जो बात करी है संगीता शर्मा जी की, पिथौरागढ़ में जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पर पानी नहीं आता है, 4-4 किलोमीटर तक पैदल चला जाता है। तिलक जी शायद ये भूल रही है, मैं भी कुमाऊं से ही हूँ और मैं भी पिथौरागढ़ में एयरपोर्ट के सामने ही घर के पास एयरपोर्ट के पास ही मेरा भी घर है, और मैं बताना चाहूंगी मेरे घर में पानी आता है। और हैंडपंप शहर की बात मत कीजिए मैडम, शहर की बात मत कीजिए, शहर की बात मत कीजिए, जो पिथौरागढ़ के गांव है उनकी बात कीजिए। संगीता जी लड़ना नहीं है, एक एक करके बहुत अच्छी बात है, विकास के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, एक एक करके मत दिखाया करिए, डिबेट में थोड़ा सा संवेदनशील बना करिए, सुशांत के परिचय दीजिए अपना। आप आम आदमी पार्टी अपना परिचय और अपना संस्कार दिखाती है, लेकिन डिबेट में भी मत दिखाइए। आम आदमी पार्टी का संस्कार क्या है मैं बताती हूँ। आम आदमी पार्टी जब शपथ ग्रहण समारोह में अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं, मैं अपने बच्चों की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं कोई भी सरकारी सुविधाएं ग्रहण नहीं करूंगा और अपनी वैगन आर से चलूंगा, और फिर वो वैगन आर छूट जाती है, गोवा एकदम अच्छी खासी गाड़ियों में चलते हैं। वो प्रदूषण को कम करने हनी जी, संगीता जी उनकी कौन सी थी? मेरी आप दोनों से दरख्वास्त है, हनी जी संगीता जी चली वो कुछ नहीं करके एक एक करके प्लीज संगीता जी प्लीज, संगीता जी लड़ना नहीं है प्लीज, चर्चा करेंगे। आप डिबेट में ना आने का एक थोड़ा सा मर्यादा पालन करना सीख के आइए। डिबेट में पता है क्या होता है, जब एक व्यक्ति बोलता है तो दूसरा सुनता है, दूसरा बोलता है तो पहला चुप होके सुनता है। दीप वोरा जी भी हमारे प्रतिद्वंदी है, लेकिन देख लीजिए शांत होके सुन रहे, जब उनका बारी आएगी तो वो उसका जवाब देंगे जब वो बोलेंगे तो, ठीक है। डिबेट की मर्यादा होती है, लेकिन एक करके आप सब लोग मर्यादा का कभी आप सब लोग एक दूसरे का सम्मान करिए, मेरी दरख्वास्त है आपसे। आप दोनों को मालूम है कि आप दोनों रेगुलर चैनल पर बैठते हैं, आप लोगों को मालूम है कि रूल क्या है डिबेट के, ये वो राष्ट्रहित वाला वो हिसाब नहीं है ना कि टकरा दो लड़ा दो भिड़ा दो। हानी जी प्लीज एक एक करके प्लीज विषय पर चर्चा करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि अब सीधे तौर पर रण ओपन हो चुका है, प्रधानमंत्री ने संकेत दे दिए, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। संगीता जी मैं आपके पास एक संगीता जी, इस रैली के बाद आप लोग थोड़ा घबरा गए हैं, इस रैली के बाद बिल्कुल घबराएंगे। जी आप सुन लीजिए ना संगीता की भी, संगीता जी की भी सुन लीजिए ना। हाँ सुनाइए मैडम, एक सेकंड अब सुन लीजिए प्लीज। संगीता जी आवाज लगा कि तिलक जी मुझसे सवाल कर रहे हैं, तब मैंने जवाब दिया, मैं क्योंकि तिलक जी से बात कर रही थी तब मैंने जवाब दिया, तिलक जी से ही बात कर रही थी, ठीक है, जब आपको ऑब्जेक्शन हो रहा था तो अब आप भी जो मर्यादा का पाठ मुझे पढ़ाने की थोड़ी देर संगीता जी की मेरी आवाज आ रही है तो मुझे लगा वो मेरी बात का जवाब दे रहे हैं, तब मैंने जवाब दिया, ठीक है। संगीता जी प्लीज प्लीज संगीता जी पानी का पानी सामने हो ही जाना है, क्योंकि उसके लिए कोई परेशानी का विषय नहीं है। और रही बात जो ये कह रही थी कि वहाँ पानी आ रहा है, तो देखिए पानी शहर और गांव में बहुत बड़ा एक डिफरेंस है,
तो कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि हम केवल शहर की बात करें और उसी चश्मे से हम सारा कुछ देख लें। रही बात जिला अस्पताल की, तो मैं हनी जी से पूछना चाहती हूँ, जहाँ पिथौरागढ़ से वो बिलोंग करती हैं, उस जिला अस्पताल की स्थिति क्या है एक बार वो उसको भी बता दें, क्योंकि मुझसे ज्यादा करीब से वो जानती होंगी उसको। मैं कहीं ना कहीं उस जगह से दूर हूँ, स्थान से दूर हूँ, तो वो उस जगह को अच्छे से जानती होंगी। तो उस पर मुझे जवाब चाहिए कि वो वहाँ की जो मैं कर रही हूँ या जो मैं देख रही हूँ उसके अनुसार, तो वहाँ रेफर सेंटर से ज्यादा वो कुछ नहीं है। हनी जी, पिथौरागढ़ जिला अस्पताल, संगीता जी एक सेकंड बोलिए। हनी जी, तिलक जी देखिए, पिथौरागढ़ जिला अस्पताल की स्थिति ठीक है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं कि पिथौरागढ़ जिला अस्पताल की स्थिति बड़ी बदतर हालत में हो और बहुत खराब हो। हमारे जो ये पंत जी हैं, उन्होंने जिला अस्पताल की स्थिति इतनी बेहतर कर रखी थी वहां पर, क्योंकि वो वहीं को बिलोंग करते थे और इस समय उनकी पत्नी भी वहाँ पर जिला अस्पताल का निरंतर निरीक्षण करती रहती है और वहाँ का जिला अस्पताल बेहतर स्थिति में है। अगर इनको नहीं समझ में आ रहा तो अभी मुझे वहाँ पे पूजा के लिए जाना है पिथौरागढ़। मैं आपकी बार अगली डिबेट में पिथौरागढ़ के जिला अस्पताल की आपको फोटो खींच के लाकर डिबेट में दिखाऊंगी कि वहाँ के पिथौरागढ़ के जिला अस्पताल की स्थिति कैसी है और कितनी अच्छी है। और दूसरी बात मैं तिलक जी आपको बताऊंगी, जैसा कि आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता है राष्ट्र प्रथमम सदैव प्रथमम के मंत्र पर चलते हैं, तो बात ये सत्य है। और दूसरी बात मैं तिलक जी ये कहना चाहूंगी, मेरी बात कट गई थी, 538 करोड़ रुपए के मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हरिद्वार में करके गए हैं। आप मुझे एक बात बताइए, कुमाऊं को एकदम सीधे कुमाऊं से जोड़ता है हरिद्वार को, वहां से एकदम सीधे सुविधा मिलेगी लोगों को, कुमाऊं को तो ज्यादातर सुविधा मिलेगी इससे, ये क्या गलत स्टेप है? क्या ये गलत काम करके गए हैं मोदी जी? अगर गलत करके गए हैं तो मैं खुद कह रही हूँ कि उत्तराखंड में नहीं जरूरत है, मत करो शिलान्यास, मत खोलो मेडिकल कॉलेज, नहीं चाहिए उत्तराखंड वासियों को मेडिकल कॉलेज, ये जैसे है वैसे ही रहने दो। हनी जी, मैं अब दीप भाई के पास जाऊं, एक सवाल, एक सवाल, इन्हें शिलान्यास करने से प्यार नहीं है, इन्हें हर घर जल से प्यार नहीं है, इन्हें मेडिकल कॉलेज से प्यार नहीं है, इन्हें 2.5 घंटे दिल्ली से प्यार नहीं है, इन्हें विपक्ष में सिर्फ मुद्दा उठाना है। आज तक इन्होंने सिर्फ मुद्दे उठाए हैं और इसके सिवाय कुछ नहीं किया है। 7 साल पहले हनी जी आप सुन लीजिए, ओके दीप भाई अब दीप भाई, ओके हनी जी प्लीज, अब दीप बोरा जी से इन्हें ये दिखाना है, दीप बोरा जी जवाब दीजिए, क्यों भला कर रहा है ये मोदी, हनी जी क्यों कर रहा है हमें जनता को? हनी जी आप अभी थोड़ी देर पहले इतने बड़े बड़े प्रवचन दिए आपने, उल्लू सीधा करना है हमें, काम गलत ही करके दिखाना है। सुनिए हनी जी प्लीज, आप सुनिए, सड़कों के जाल की बात, दीप बोरा साहब प्लीज, बड़ी बड़ी विडंबना है। जब कांग्रेस की सरकार बनी 2002 के बाद, तो हरिद्वार से लेके हल्द्वानी के रूट पे 7-8 बड़े रपटे आते थे जिसमें लोग बह और गाड़ियां बह जाती थी। सबसे पहले तो वो पुल बनाने का काम हुआ, रोड बड़ी चौड़ीकरण हुआ, उन रोडों में इतना ट्रैफिक नहीं है, शहरों के बीच में ट्रैफिक है। अगर आप काशीपुर चले जाए, दूसरी जगह आ जाए, रुद्रपुर की तरफ आ जाए, सारी रोड ऐसी रोड नहीं है कि जिसपे ट्रैफिक, सो वो रोडों का जाल कांग्रेस सरकार ने बना दिया था। अगर सरकार आएंगी, सड़कें भी बनेंगी, सब बनेंगी, लेकिन उत्तराखंडियत और उत्तराखंड की जनता जानना चाहती थी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने संबोधन में कहेंगे या प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में गए थे कहेंगे कि मैं यहाँ पे ये एक इंडस्ट्री ला रहा हूँ, उससे रोजगार बढ़ेगा, दूसरा मैं पेट्रोल और डीजल के और वो उत्तराखंड की जो गैस सिलेंडर है, मैंने महिलाओं को काफी धन यन गन योजना और पता नहीं किसमें मैंने दिए, उसमें सब्सिडी दूंगा जो मैंने छीन ली। कोविड काल में जो हमने घोटाला हरिद्वार में किया, हम उन्हें जेल में डालेंगे। कोविड काल में जिनकी मृत्यु हुई, सीतारमण आई थी कि हमने 1 लाख करोड़ का जुमलेबाज जो पैकेज दे दिया जिसपे कोविड में 4-4 लाख रुपए मिलेंगे, उसकी बात होगी, उसकी बात होगी। पलायन आयोग हमने बनाया था, वो कब सुचारू रूप से, उसमें मैं डबल इंजन लगाऊंगा तो पलायन रुकेगा। सिर्फ घर में एक कमरा देने से होम स्टे से पलायन बंद नहीं होगा। इन पे सबसे बड़ी बात पेट्रोल डीजल और ये गैस, उसके बाद आ जाइए बेरोजगारी दर।
आंदोलनकारित हो रखे हैं सारे, चाहे सचिवालय कर्मी हो, पीआईआरडी जवान हो, अभी आशा कार्यकर्ती इतने साल बैठी रही अभी उठी, इसकी कोई बात नहीं हुई। 600 करोड़ दिए कांग्रेस ने, मैंने 12,000 करोड़ दे दिए सड़कों के, अरे वो सड़कों के ठेके तो अंडानी अंबानी ले लिया, फिर उसके बाद संगीता जी ठेकेदार को दिए ठेके, और ये थे हाँ दिए उत्तराखंड के ठेकेदारों को ठेके, स्टैंड अप इंडिया कहाँ गया, आप कहते थे दीप भाई सुन लो ना हनी पाठक जी प्लीज अपनी बात रखिए जल्दी से, स्टैंड अप कराऊंगा, अरे तो अंडानी और अंबानी को स्टैंड अप कराते रहोगे या एक आम आदमी को भी कराओगे, ये कुछ देखना चाहती थी दीपोरा जी इनके प्रधानमंत्री दीपोरा जी बोलिए एक सेकंड हनी पाठक जी, क्या वाकई में बेरोजगारी मुद्दा है या नहीं उत्तराखंड में? मैं अभी थोड़ी देर पहले सीमा जी से भी बात कर रहा था। निश्चित ही देखिए तिलक जी, अगर मैं राजनीति की बात करूं तो बेरोजगारी मुद्दा सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं है, पूरे देश में जब हमारे युवा घर में बैठते हैं तो उन माँ बाप के लिए भी बहुत बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, कभी कर्जा लेते हैं, कभी क्या करते हैं, और जब उनके बच्चे घर में बैठते हैं तो वो बहुत ही दुखदायी बात रहती है। तो बेरोजगारी निश्चित ही बहुत ही सोचने वाला विषय है, लेकिन एक बात बताइए, कोरोना काल जो इस समय आया था इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल धराशायी हो गया था, वो कोरोना काल मोदी जी तो लेकर आए नहीं थे, वो कोरोना तो का समय चार साल के बाद आप नौकरी देने की बात कर रहे हैं। तिलक जी मेरी एक बात सुनिएगा, 2 मिनट का समय बस चाहिए मुझे, ये जब पूरा देश त्राही त्राही कर रहा था उस समय हमारा भारतवर्ष एक ऐसा देश था जो कि कोरोना में इतनी बुरी तरह त्राही त्राही नहीं किया, और दूसरा मैं बताना चाहूंगी, भारत देश एक ऐसा देश हुआ जिसने कि खुद तो कोरोना की वैक्सीन सबको फ्री में लगाई तो लगाई, उसने विदेशों में भी अपनी स्वदेशी वैक्सीन को सप्लाई किया। मुझे नहीं मालूम आप किस, किस देश में और किस उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन की किल्लत से किसी की मौत नहीं हुई, ऑक्सीजन की किल्लत से किसी की मौत नहीं हुई, और ये विपक्षी दल जब वैक्सीन नहीं लगी थी तब वैक्सीन बनी थी, तब इनका क्या जुमला था तिलक जी, शायद आपको याद होगा कि वैक्सीन विदेशों में भेज दी, अब हमारे भारतवर्ष में कमी आ गई, अब सबको वैक्सीन नहीं लग पाएगी, अब जब वैक्सीन बहुत ज्यादा है सबको लग रही है तो इनके पेट में दर्द है, फ्री में से भटक जाएंगे। हनी जी मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर आ रहा हूँ, वक्त वक्त बहुत कम है, टैबलेट आती है वक्त बहुत कम है, हनी पाठक जी सुन लीजिए, संगीता जी और दीप बोरा जी का एक आरोप है ना खुश रहेंगे, और आम आदमी पार्टी के लिए मैं एक सेंटेंस में बस हनी पाठक कि इनके मफलर मैन को तो मैं बस एक बात कहना चाहूंगी कि जुमले छोड़े और फ्री में सबको मफलर ही मफलर भी बांटना रह गया, वो भी अब बांट के हटाई दे, क्योंकि फ्री 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 लाना की दुकान ओके, बहुत हो गई है, ओके, मफलर भी बांट दें, फ्री में अब सब कुछ बांट ही दीजिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी को जब इतना गुस्सा नहीं में बुलाया गया था तो इतना गुस्सा नहीं, बस संगीता जी और दीप पोरा जी एक आरोप था, एक बार हनी पाठक लेना चाहते हैं तो उनसे ये उन्होंने ये जवाब दिया था, ये हनी पाठक देखिए एक ना पॉलिटिकल एजेंडा है, तो बस अब एक मफलर फ्री में बांटना रह गया संगीता शर्मा जी, हाथ जोड़कर निवेदन है, फिर वो 15 लाख की बात भी आ जाएगी, छोड़िए अभी बात, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, मैं सिर्फ एक एक बात हनी पाठक जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अभी दीप वोरा साहब और संगीता जी ने एक आरोप लगाया, सुनिए सुनिए मैडम, डोरेमोन और मोटू पतलू छोड़िए अभी, मैं ये कह रहा हूं कि आज एक बात तो साफ हो गई ना कि धामी जी ही चेहरा होंगे, पीठ थपथपाई या फिर अभी भी कंफ्यूजन है, दोबारा पूछिए तिलक जी, ये उपलब्धि भी गिनवा देते, 3-3 मुख्यमंत्री बदले आपने, दोबारा पूछिए, नहीं नहीं तिलक भाई एक बात कहूंगी, इन्होंने कोरोना आया उसका लाभ उठाकर कोरोना में टेस्टिंग घोटाला किया ये नहीं गिनाया प्रधानमंत्री जी ने, अभी हमारी हनी बहन ने ये तो बता दिया कि कोरोना में क्या किया, जो नहीं किया उसकी बात नहीं की, अब ये कहेंगे वो विपक्ष करेगा वो और लोग करेंगे, अरे घोटाला आपने किया इसकी बात क्यों नहीं की, घोटाले के लोग खुले क्यों घूम रहे हैं, सजा नहीं देता है आज तक आप उनके उनके नाम का रहे कि मैंने घोटाला किया था, वो नहीं किया वो भी बता दीजिए, आप 15 लाख वाले जुमला कहाँ चला गया, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ने लोगों को खड़े करके संगीता जी हनी जी दीप और भाई नहीं मिला अब इनको ऑडियो आ गया, हनी जी को ऑडियो आ गया, तीन मुख्यमंत्रियों की बात तो ऑडियो चला गया, अब ऑडियो आ गया,
होंगे और पिथौरागढ़ जवाब आपको 2022 के पिथौरागढ़ से मिलेगा आपको जो पिथौरागढ़ कोरोना तो एक जीव है, उसको भी जीने का अधिकार है। कोरोना एक जीव है, उसको जीने का अधिकार है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया दीप भाई, बहुत बहुत शुक्रिया संगीता जी, हनी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन चर्चा वाकई मुद्दों के आधार पर होनी चाहिए। इसी एजेंडे पर हम आगे बढ़ रहे हैं, विषय बेरोजगारी, पलायन, पहाड़ की पीड़ा, पहाड़ की आवाज, मेरा गांव मेरा देश, इसी संकल्प के साथ हम कार्यक्रम भी कर रहे हैं। आप लोगों का प्यार इसी तरह मिलता रहे, अगली एक और नई चर्चा में होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।